हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑफिस नोटबुक। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे हम लोग लिब्रा ऑफिस राइटर पे पासपोर्ट साइज फोटो बनाना सीखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं फाइल पे चला जाऊंगा, न्यू, और यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लूंगा। सो यहाँ पर मेरे पास एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया और यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मेरे पास एक पेज भी आ गया। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पहले इसका फॉर्मेट चेंज करूंगा। सो यहाँ से देखिए मैं शो करूंगा और यहाँ पर पेज ऑप्शन पे मैं हूँ, फॉर्मेट, यहाँ पर साइज है दोस्तों लेटर, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं एज इट इज रहने देता हूँ। विथ हाइट यहाँ पर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों ओरिएंटेशन, यहाँ पर पोर्ट्रेट सिलेक्ट है, इसके जगह पे मैं लैंडस्केप सिलेक्ट कर लूंगा। सो देखिए ये लैंडस्केप मोड पे आ गया। फिर है दोस्तों मार्जिन, यहाँ पर नॉर्मल है, इसके जगह पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा नैरो। सो यहाँ पर जो मार्जिन है ये कम हो जाएगा। अब मैं इसको फिर से हाइट कर देता हूँ। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर मैं इमेज को इंसर्ट करूंगा। सो यहाँ पर देखिए क्विक एक्सेस टूल आपको मिलता है इंसर्ट इमेज का, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब जहां पर आप इमेज रखे हैं वहां से आप इमेज को सिलेक्ट कर ले। अब मैं ओपन कर लूंगा। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो इमेज है काफी बड़ा है, इसको मुझको पहले छोटा करना है। तो इसके लिए मैं कॉर्नर पे जाऊंगा और यहाँ पर एरो शो हो रहा है, अब मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा और सिंपली ड्रैग करूंगा। सो यहाँ पर देखिए जो रेशियो है ये ऑटोमेटिक मेंटेन रहेगा और जो इमेज है ये छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। अब मुझको इसको पासपोर्ट साइज देना है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, क्या है पासपोर्ट साइज, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपको बोला जाएगा उसी हिसाब से आप बना लीजिए। ओके, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा बेसिक शेप का ऑप्शन, ड्रॉप डाउन एरो, इसके ऊपर आप क्लिक कर दे। यहाँ से आप सिलेक्ट कर ले रेक्टेंगल और यहाँ पर आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। ओके, अब रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाने के बाद यहाँ पर लाइन कलर है, इसको मैं ब्लैक दे देता हूँ और यहाँ पर फील जो है इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। ओके, अब फ्रेंड्स इसको मुझको रिसाइज करना है। सो यहाँ पर देखिए छोटा सा एक पैनल शो हो रहा है 2.72 बाई 2.63, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। सो यहाँ पर पोजीशन एंड साइज का यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पर आप साइज डाल ले। सो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 1.5 और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 1.7 और ओके कर देता हूँ। सो यहाँ पर जो आपको बोला जाएगा उसी हिसाब से आप साइज डाल दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब फ्रेंड्स इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए आपको रैप ऑप्शन मिलता है, इसको मैं कर दूंगा इन बैकग्राउंड। सो इसको मैंने बैकग्राउंड पे भेज दिया। अब मैं इस इमेज को यहाँ पर लेकर आऊँगा और इस कॉर्नर पे मैं इसको प्लेस करूँगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से मैं इसको रिसाइज कर लूँगा और यहाँ पर मैं मैच कर लूँगा। ओके, यहाँ पर तो स्नैप होगा, यहाँ पर देखिए आप स्नैप कर ले और इसके बाद मैं इस इमेज को क्रॉप करूँगा। यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन मिलता है, क्रॉप इमेज, और यहाँ से देखिए आपको फिर से स्नैप मिल जाएगा, यहाँ तक आप क्रॉप कर ले। ओके, सो इस तरीके से देखिए इस इमेज को आप क्रॉप कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। अब मैं जो बॉक्स बनाया था, शेप बनाया था, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब आप चाहे तो इस इमेज को छोटा मोटा एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से देखिए आप इसको स्मूथ कर सकते हैं और इसको देखिए आप शार्प वगैरह भी कर पाएंगे, शार्पन कर दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर छोटा मोटा एडिट कर सकते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए मैं बॉर्डर्स पे चला जाऊँगा। ओके, सो बॉर्डर्स पे देखिए यहाँ पर देखिए 4 साइड बॉर्डर मैं सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर देखिए पैडिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर मैं 0.04 ले रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर जैसे ही ओके करूँगा सो यहाँ पर आप देख पाएंगे चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया है। ओके, अब इसको आपको प्लेस करना है। सो फ्रेंड्स देखिए इस इमेज को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल प्रेस करिए, सो यहाँ पर आपके पास डुप्लीकेट आ जाएगा। फिर से कंट्रोल प्रेस करिए, डुप्लीकेट आ जाएगा। इस तरीके से देखिए आप डुप्लीकेट कर लीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मुझको इनको प्लेस करना है। सो इस इमेज को आप सिलेक्ट करें,
और इसके पास लेकर आए तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाएगा, यहाँ पर आप प्लेस कर दें। ओके, फिर से इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर स्नैप हो जाएगा, यहाँ पर प्लेस कर दें। सो बड़े आसानी से आप इनको प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर प्लेस कर दें। अब मैं फिर से यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके और एक इमेज ले लूँगा। इस तरीके से आपको जितना चाहिए आप यहाँ पर इमेज ले लीजिए और यहाँ पर देखिए आप प्लेस कर दें। सो यहाँ पर देख पाएंगे स्नैप हो जाएगा, बड़े आसानी से आप यहाँ पर इनको प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर बड़े आसानी से आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।